आप नाराज हैं मुझसे? सिर्फ नाराज ही नहीं, सख्त नाराज हूं मैं तुमसे। अकेला कर दिया तुमने मुझे बिल्कुल। मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्से में इंसान के ज़र्फ़ का पता चलता है। मम्मी, अत्या ने इतना बड़ा स्टेप मुझसे पूछे बगैर लिया था, मैं क्या करता? तुम और मैं अलग अलग हैं क्या साईं? या तुम मेरे फैसले से खुश नहीं थे? अगर अत्या की कमजोरी हाथ आ गई तो उसे जिंदगी से निकाल देना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं मोहब्बत करता हूँ अत्या से। कौन सी मोहब्बत? वही मोहब्बत जो नूर अरसम से करती थी। आप नूर को मेरे साथ मत कंपेयर करें। नूर अरसम से दौलत के लिए मोहब्बत करती थी और तुम अतिया से औलाद पैदा करने के लिए। अम्मी, ये फितरी ख्वाहिश है, हर इंसान चाहता है उसकी औलाद हो, मैं भी यही चाहता था। तो क्या औरत इंसान नहीं होती? एक बात याद रखना साहिब, औलाद की ख्वाहिश मर्द से कहीं ज्यादा औरत के अंदर होती है बेटा। अगर उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो उसे जिंदगी से नहीं निकाल देना चाहिए। ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी तो हो सकता था। हाँ, तुम्हें तो चाहिए था कि उसकी दिलजोई करते, मगर तुमने उसकी दिलशिकनी की। मियाँ बीवी जीवन साथी होते, और अगर आपका साथी बुरे वक्त में ही आपके काम ना आए तो फिर क्या फायदा इस ताल्लुक का? अम्मी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर। मुझे बहुत मायूस किया सानी, बहुत मायूस किया है तुमने मुझे। अम्मी, अरे जेठानी साहिबा, तुम्हारे आंसू देखकर तो साफ नजर आ रहे, काफी जलील करके निकाला ना। और तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे उस घर से निकलवा दोगे और खुद सारी प्रॉपर्टी की मालकन बन जाओगे? कभी भी नहीं, क्योंकि मैं जहां से निकलती हूँ ना, वहां कुछ बचने नहीं देती। दुआ करो, दुआ करो तुम्हें मेरी बद्दुआ ना लगे, ना तुम्हारा यही गुरूर तुम्हारे कदमों में गिर के तुम्हारी इबरत का निशान बन जाएगा। लगता है तुम्हारे खावन ने तुम्हें बताया नहीं कि कितनी चीजें वो लोग मेरे नाम पर। बताया था, और साथ में ये भी बताया था कि उनके लिए ये सौदा महंगा नहीं पड़ा। जाहिर है, मैं कोई सस्ती चीज तो हूं नहीं जो तीन कपड़ों में ब्याह हो जाऊं, तीन कपड़ों में निकाल भी दी जाऊं, है ना। और हाँ, अगर तुम्हारे बहनोई तुम्हें घर से निकाल भी दें तो परेशान मत हो, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मुलाजमा के तौर पे रखूंगी। वैसे भी सारे काम तो कर लेती हूँ।